दलित शोषण मुक्ति मंच के राष्ट्रीय आह्वान पर देश भर के साथ साथ दलित शोषण मुक्ति मंच जिला कमेटी मंडी द्वारा पिछले महीने उत्तर प्रदेश के हाथरस घटित हुई गैंगरेप की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई। दलित शोषण मुक्ति मंच जिला कमेटी मंडी के जिला उपाध्यक्ष रविकांत का कहना है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस घटित हुई गैंगरेप की इस घटना को एक महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुक्ति मंच जो है पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी विभिन्न जिलों के अंदर विभिन्न ब्लॉकों के अंदर जो है इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहा है कि हमारे देश के अंदर जो 14 सितंबर को जो यूपी के हाथरस के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना के अंदर जो गैंगरेप हुआ है उसके बाद जो उसकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर एक महीना तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और 29 तारीख को जिस युवती की वहां पे मौत हुई थी सफदर जंग हॉस्पिटल के अंदर, आज 29 तारीख को एक महीना हो गया है और एक महीने के बाद भी उस युवती को उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसीलिए उस न्याय की मांग को लेकर आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर दलित शोषण मुक्ति मंच और अन्य जो दलित संगठन है सभी मिलकर जो है इस बात को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हमारी ये भी मांग है कि उसकी जो जाँच है वो जाँच जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। हालांकि पिछले कल जो है हाई कोर्ट को जांच का जिम्मा दिया गया है, वो हमारी मांग थी कि उसकी एक न्यायिक जांच जो है उस हत्याकांड की होनी चाहिए, रेप कांड की होनी चाहिए। यही नहीं, उसके बाद भी यूपी के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर 3 जो युवतियां दलित युवतियों के साथ रेप कांड हुए हैं और हमारा ये मानना है कि यूपी के अंदर जो सरकार चल रही है वो एक फांसीवादी तरीके की सरकार है, एक तानाशाही तरीके की सरकार है और उस तानाशाही के चलते वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, खास तौर पर वहाँ के जो डीएम है, वहाँ के जो एसपी है, वहाँ के जो एएसपी है, सभी लोगों के बयानों से लगता है कि वो जो है उस हत्याकांड को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, रेप कांड को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और उस परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।